हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी गोइंग टू स्टार्ट विथ 12th लेक्चर ऑन फिजिक्स फॉर क्लास 12th फ्रॉम एनसीईआरटी पार्ट 1. इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस and few examples based on these concepts. Thereafter, Coulomb's law and application of Coulomb's law on multiple charges. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि Coulomb's law जो कि सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, उसको मल्टीपल चार्जेस पे कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो कैसे किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. उस पे बेस्ड हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था. आई होप आप लोगों ने खुद भी ट्राई किया होगा उन एग्जांपल्स को. वेक्टर का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन हमें आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. तो वेक्टर्स पे एक बार मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा फिर से रिवाइज करें और उसके बाद ही इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें, इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें, बात बेहतर समझ में आएगी. देखिए, पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने ये दो एग्जांपल्स 1.6 और 1.7 डिस्कस किया था, और 1.7 एग्जांपल बहुत सिंपल है. आप ध्यान से देखें तो इस एग्जांपल में दिया गया है कि तीनों वर्टेक्स पे जो चार्जेस हैं उन सभी पे नेट फोर्स निकालना है. एक चार्ज नेगेटिव है माइनस क्यू, बाकी दो पॉजिटिव थे, और मैग्नीट्यूड तीनों ही चार्जेस का सेम था, सिर्फ साइन का यहाँ डिफरेंस है. अब देखिए, अगर कोई भी एक फोर्स आप निकालें F13 या F12, F21, F23 या F32 या F31, इन सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि पेयर में आप चार्जेस को लेंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे तो चार्जेस सेम है, और डिस्टेंस भी किसी भी दो चार्ज के बीच डिस्टेंस L के बराबर है, साइड लेंथ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सिर्फ डिफरेंस एंगल का मिलेगा. तो यदि आप F1 वेक्टर निकालेंगे रिजल्टेंट Q1 पे, तो आपको जब पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वो 180 डिग्री है. इसी तरह आप यहाँ पे निकालेंगे तो F3 वेक्टर कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट, यहाँ एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए. इस तरह आप F3 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन आप शो कर सकते हैं फिगर में ऐसे, सिमिलरली आप F2 निकाल सकते हैं. तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें, एलोबरेटली आप इसको सॉल्व करें. एनसीईआरटी में बहुत से स्टेप्स मिसिंग होते हैं बिटवीन द लाइंस, जो स्टेप्स हैं डायरेक्टली ये वर्कआउट करके स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स को खुद से कॉपी पे करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए इस पर, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको एग्जाम में लिखना होगा. आप देख सकते हैं एक इंटरेस्टिंग बात लास्ट में लिखी गई है कि अगर इन तीनों चार्जेस जो तीन वर्टिसेस पे रखे हुए हैं उनके फोर्सेस F1, F2 और F3 को ऐड कर दिया जाए तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा. ऐड आप हेड टू टेल मेथड से कर सकते हैं, टेल टू टेल मेथड से कर सकते हैं, जैसे चाहे. आपको वेक्टर के लेक्चर में मैंने बताया है, बोर्ड पे भी डिस्कस किया है कैसे जोड़ते हैं तीन वेक्टर्स को, तो जीरो आएगा. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे द रिजल्ट इज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग, जीरो तो आना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम में न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में ये बता रहे हैं, इट फॉलोज स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट दैट कूलम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ. कह
कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, ये जो रिजल्ट आ रहा है तीनों फोर्सेस को जोड़ने पे जीरो, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सो प्रूफ के लिए ये कह रहे हैं, द प्रूफ इज लेफ्ट टू यू एज एन एक्सरसाइज, प्रूफ आप खुद करिए, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरह होमवर्क है आपके लिए। कह रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ एक्शन लगाएगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट रिएक्शन लगाएगा। तो आप देखिए, अगर ए जो है वो सी के ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, एक्ट किया, अट्रैक्ट किया, तो सी ने क्या किया, ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, एक्शन रिएक्शन की तरह। इसी तरह आप इन दोनों के बीच फोर्सेस को देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह पेयर में आप इन दोनों के बीच फोर्सेस को देखिए, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन। और ये पूरे सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स, तीनों पार्टिकल्स के सिस्टम को देखें, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, जो भी फोर्स लग रहा है वो ये तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स जीरो होगा, इंटरनल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स हैं, जो तीनों चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लग रहा है, इसलिए इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना ही चाहिए, यही बात यहाँ लिखी गई है। आगे हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैंने बोर्ड पे जो एक्सप्लेन किया है वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, और यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखा है इसे अब हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। और इसे स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट हम समझेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट पे। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ध्यान से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर ये पूछा जाए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज, जैसे यहाँ एक चार्ज क्यू बनाया गया है, तो इस क्यू चार्ज के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल स्पेस में इस क्यू चार्ज का एक प्रभाव होगा। उस प्रभाव क्षेत्र में कोई भी दूसरा चार्ज यदि ले आया गया तो यह क्यू चार्ज उस पे फोर्स लगा देगा। तो इस क्यू चार्ज का जो प्रभाव क्षेत्र है, फील्ड है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वालिटेटिवली आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ही समझेंगे कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसका एक प्रभाव क्षेत्र है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये क्वालिटेटिव कितना है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है कि अब इस क्यू चार्ज से किसी 1 मीटर, 2 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर किसी भी एक दूरी पे जाएं, तो वहां पे इस क्यू का फील्ड कितना है, क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड इन वैक्यूम। ध्यान दीजिए, वैक्यूम में रखा गया इस चार्ज को, मीडियम का यहाँ महत्व होता है। एट द ओरिजिन ओ, इफ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू एट ए पॉइंट पी वेयर ओ पी इज इक्वल टू आर, देन द चार्ज कैपिटल क्यू विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन स्मॉल क्यू एज पर कूलाम्स लॉ। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा जाए और उससे आर डिस्टेंस पे कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा जाए, तो कैपिटल क्यू वाला चार्ज स्मॉल क्यू पे एक फोर्स लगाएगा और वो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स लगेगा। वी मे आस्क द क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं, इफ चार्ज स्मॉल क्यू इज रिमूव्ड देन व्हाट इज लेफ्ट इन द सराउंडिंग। कह रहे हैं कैपिटल क्यू के पास जो स्मॉल क्यू चार्ज हम ले गए थे और उस पर एक फोर्स लगेगा कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, इस स्मॉल क्यू चार्ज को यदि हटा दिया जाए, जो आर डिस्टेंस पे रखा गया है कैपिटल क्यू से, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो
तो वहाँ सराउंडिंग में क्या कुछ बचेगा, क्या बचेगा वहाँ, व्हाट इज लेफ्ट इन द सराउंडिंग, ये एक प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि कैपिटल क्यू के सराउंडिंग में से स्मॉल क्यू को हटा दिया जाए जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, तो सराउंडिंग में क्या बचेगा, इज देयर नथिंग, क्या वहां कुछ भी नहीं रह जाएगा। इफ देयर इज नथिंग एट द पॉइंट पी, देन हाउ डज अ फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस द चार्ज स्मॉल क्यू एट पी, कहना यदि वहां कुछ भी नहीं बचेगा तो स्मॉल क्यू को जब पी पॉइंट पे रख रहे थे तो फोर्स क्यों लग रहा था, कैसे लग रहा था अगर वहां कुछ भी नहीं है। इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, द अर्ली साइंटिस्ट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। इस प्रश्न के आंसर को दे इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए जो शुरू में शुरुआती अर्ली साइंटिस्ट थे, उन्होंने फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, बताया। अकॉर्डिंग टू दिस वी से दैट द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। तो जो साइंटिस्ट ने कहा फील्ड का कॉन्सेप्ट, वो यही कहा कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में चारों तरफ एवरीवेयर अपने सराउंडिंग में वो एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। व्हेन अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज ब्रॉट एट सम पॉइंट पी, द फील्ड देयर एक्ट्स ऑन इट एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स। फिर कह रहे हैं कि वह जो फील्ड प्रोड्यूस किया कैपिटल क्यू ने, उस फील्ड में जब कोई दूसरा स्मॉल क्यू चार्ज आता है, हम उसे लाते हैं एट सम पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पे, तो वह फील्ड जो कैपिटल क्यू का फील्ड है वही फोर्स लगने का कारण बनता है, उसी की वजह से, उस फील्ड की वजह से स्मॉल क्यू पे फोर्स लगता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज कैपिटल क्यू एट ए पॉइंट आर इज गिवन बाय। अब कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे, यहां देखिएगा इस टर्म का मतलब समझिए, कैपिटल क्यू की वजह से आर कोई एक के आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, आर वेक्टर है ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट पी लिया गया है, उस पॉइंट पी का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू चार्ज इज आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है ये ध्यान दीजिएगा। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जा रहा है कि आर पोजीशन वेक्टर पे क्यू से, आर पोजीशन वेक्टर क्यू से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू की वजह से, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ई आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये पूरा मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। आर कैप यूनिट वेक्टर है जो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आर, जो कि पोजीशन वेक्टर है चूजन पॉइंट का। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर, और ये आर क्या है डिनोमिनेटर में, ये दूरी है कैपिटल क्यू से पी पॉइंट की, जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हैं। ये नोटेशन जो है इसको आप ध्यान से समझें, इसका मतलब है आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे एफ एक्स, एफ ब्रैकेट में एक्स, यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ वाई एट सम गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ ई आर का मतलब है ई इज फंक्शन ऑफ आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर, इसको ऐसे लिखा जाता है, ई आर का फंक्शन है, यानी आर वेरी करेगा तो ई वेरी करेगा, कहें ऐसे भी समझ सकते हैं कि ई आर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखिए आर का मैग्नीट्यूड है, ये स्मॉल आर क्या है, इसी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, ये वेरी कराएंगे तो ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा। वेयर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम, किसी भी आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप कैसे निकालेंगे, उस आर वेक्टर से इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, तो
तो सिर्फ डायरेक्शन बच जाता है और मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है. दिस इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर वेक्टर. दस इक्वेशन 1.6, दिस इक्वेशन 1.6 स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईच वैल्यू ऑफ द पोजिशन वेक्टर आर. ध्यान दीजिए, यहाँ पोजिशन वेक्टर लिखा जा रहा है. आर पोजीशन वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है. आर की अलग अलग वैल्यू रखेंगे आप, उस अलग अलग वैल्यू के लिए ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस एक्सप्रेशन से. द वर्ड फील्ड इज सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी विच कुड बी ए स्केलर और अ वेक्टर वेरीज विथ पोजिशन. देखिए, फील्ड शब्द का मायने यहाँ पे बताया जा रहा है कि फील्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फील्ड का मतलब एक क्षेत्र है. थ्री डायमेंशनल स्पेस में यदि पोजीशन को बदला जाए, पूरे क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग पोजीशन होगी, तो वही कह रहे हैं कि यदि अलग अलग पॉइंट को हम वेरी कराएं, पोजीशन को वेरी कराएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर है. अगर कोई स्केलर क्वांटिटी भी है तो उसके लिए फील्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे वेरी कर सकता है. यही बात यहाँ कही जा रही है. The effect of the charge has been incorporated in the existence of the electric field. देखिए कह रहे हैं कि electric field को समझने के लिए, मींस electric field बताने के लिए charge का क्या effect है, charge पे वो कैसे depend कर रहा है, ये भी इस expression में देख सकते हैं आप. Q charge है यहाँ, Q जितना ज़्यादा होगा field उतना ज़्यादा होगा क्योंकि Q numerator में है, और R जितना ज्यादा होगा फील्ड उतना ही कम होगा क्योंकि R डिनोमिनेटर में है, R स्क्वायर है. वी ऑब्टेन द फोर्स F एक्सर्टेड बाय अ चार्ज कैपिटल Q ऑन अ एक्सर्टेड बाय अ चार्ज कैपिटल Q ऑन अ चार्ज स्मॉल Q. कह रहे हैं कि अब हम फोर्स निकाल सकते हैं. कूलम्स लॉ से फोर्स लिखा गया है, F वेक्टर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी, कैपिटल Q की वजह से स्मॉल Q पे जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन लिखा गया F equal to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q into small q by R square and the direction of force is given by this unit vector. Note that the charge Q, small q, also exerts an equal and opposite force on the charge capital Q. बिल्कुल ठीक है. कूलम्स लॉ में आप जानते हैं कि दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. चूंकि यहाँ ऊपर लिखा गया है कि कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगाया उसका ही एक्सप्रेशन है, मगर भूलने की जरूरत नहीं कि स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू पे उतना ही फोर्स लगाएगा. यही बात यहाँ लिखी गई. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू कैन बी लुक्ड अपॉन एज एन इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज क्यू एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू एंड वाइस वर्सा. कह रहे हैं कि जो फोर्स कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज पे स्मॉल क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉल क्यू चार्ज का इंटरैक्शन है किसके साथ, कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. यानी कि कैपिटल क्यू चार्ज का फील्ड उसके सराउंडिंग में है, प्रेजेंट है, उस फील्ड के साथ स्मॉल क्यू इंटरैक्ट कर रहा है, इसलिए स्मॉल क्यू पे फोर्स लग रहा है. इसी प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज का भी अपना एक फील्ड है और उसी फील्ड में उस फील्ड के साथ जब कैपिटल क्यू इंटरैक्ट कर रहा है तो कैपिटल क्यू पे फोर्स लग रहा है. ऐसे हम फील्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके पहले तक कूलम्स लॉ में हम चार्ज का चार्ज से इंटरेक्शन समझ रहे थे, अब हम समझ रहे हैं कि किसी चार्ज के फील्ड के साथ दूसरा चार्ज इंटरेक्ट करता है तब उस पे फोर्स लगता है, इसीलिए यहां ये बात लिखी गई. इफ वी डिनोट द पोजीशन ऑफ ए चार्ज स्मॉल क्यू बाय द वेक्टर आर, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ इक्वल टू द चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द लोकेशन ऑफ क्यू. एट द लोकेशन ऑफ क्यू, इस पे ध्यान दीजिएगा. तो क्या कहा जा रहा है यहां, कहा जा रहा है कि यदि
स्मॉल क्यू चार्ज पे एफ फोर्स लगता है, जिस भी पॉइंट पे क्यू रखा गया है उस पॉइंट पे यदि उस पे एफ फोर्स लगता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई है तो एफ ई और क्यू के बीच ये रिलेशन बनता है। यही बात लिखा जा रहा है एट दैट लोकेशन, एट द लोकेशन ऑफ क्यू, क्यू की लोकेशन पे ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एफ क्यू पे फोर्स लग रहा है, तो एफ आर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आर, ये रिलेशन बनता है। यानी कि Q मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q। यहाँ ई आर का मतलब है ई एज ए फंक्शन ऑफ आर, एफ आर का मतलब है एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, इक्वेलिटी है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि यदि आर के साथ ई वेरी करेगा तो आर के साथ एफ भी वेरी करेगा, क्यू नहीं वेरी करेगा। क्यू की वैल्यू तो फिक्स्ड है, यदि 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज है तो ये तो फिक्स्ड है, मगर अलग अलग लोकेशंस पे आर की वैल्यू बदलेगी, और आर की वैल्यू बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बदलेगा तो एफ भी आर के साथ बदलेगा। ये बात यहाँ समझने योग्य है। इक्वेशन 1.8 डिफाइंस द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज न्यूटन पर कूलाम। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ से निकालना है, तो Q को इधर ले आके डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो एफ आर डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू ई आर हो जाएगा। तो ई आर की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स का न्यूटन अपॉन चार्ज के लिए कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, यही बात यहाँ लिखी गई। नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स मे बी मेड हियर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये Q पॉजिटिव है ए फिगर में, बी फिगर में ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q लिखा गया है। पॉजिटिव चार्ज के लिए एरोज आउटवर्ड जा रहे हैं, आप देख सकते हैं दे आर पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए दे आर पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड, एरोज Q माइनस Q चार्ज की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ इनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये Q चार्ज से बाहर जा रहे हैं आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले एरोज हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब गॉसियन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके साथ ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन रिमार्क्स के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।